मरहूमिन वास्ते अपने अपने मरहूमिन नू भी शामिल दुआ करो। बिस्मिल्लाह रहमान अलहम्दुलिल्लाह रब सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात खानदान ते अजीजान मुहतरम सामईन गिरामी सादात मोमिनीन दुआ है खुदा बंदे आलम बहके चाहर दा मासूमीन अलैहिस्सलाम तुस तमाम आबाब दा इस जिक्र पाक च इस जिक्र खैर च इस मजलसे पाक च इस इश्क दी नमाज च इस असूल दी नमाज च इस सहले जिक्र दे जिक्र च कुरान दे वारसां दे जिक्र च अनडिठे अल्लाह दी पहचान करवान वाली हस्तियां दे जिक्र च रासखूना फिल इल्म हस्तियां दे जिक्र च वयुताहिरकुम ततहीरा दियां मिसदाक हस्तियां दे जिक्र च उन्हां हस्तियां दे जिक्र च जिन्हां हस्तियां ने सजदा कीता ते अल्लाह मस्जूद बन गया, जिन्हें हस्तियां इबादत की ते अल्लाह महबूद बन गया, जिन्हें हस्तियां नूं अल्लाह ने अपनी मशीयत दे तहत अपने नूर दे नाल मुजय्यन फरमा के अपनी किबरियाई और अपने खालिक होण दा ऐलान फरमाया, जिन्हें हस्तियां की मुहब्बत च अल्लाह ने तुहाडी ते मेरी इंसान वाली शक्ल बनाई। एक जुमला बहुत ही कमाल आ गया है निशान नकी, जिन्हें हस्तियों नूं खुदावंद आलम ने हादीए कामिल बना के इस कायनात च भेज के इस बेहदायती मखलूक वास्ते हिदायत दे असबाब पैदा किए। बल्कि कुरान मजीद की आयत की रोशनी जुमला है कि जिन्हें हस्तियों के पहले जाकिर का नाम अल्लाह है, कसीदे का नाम कुरान, खालक मालक इबादत शुमार फरमावे, अजीज दे भाई दे दर्जात बुलंद होवे, रिज़क इज्जत बख्त इकबाल च अल्लाह इज़ाफा फरमावे, पाकां दी पाक जुबान दा सदका जुबान ई तासीर होवे। मेरे मौला हुसैन बादशाह दा खूबसूरत तरीन मदा बनया है ते मजीद एक करम जारी रवे, मजलस कराना भी बड़ा कम है। ये तमामे मजलस हुसैन मशीयत खुदा है, ए तमामे मजलसे हुसैन मशीयत खुदा अल्लाह दी मर्जी शामिल है। हुण अल्लाह दी मर्जी नाल मुल्ला बंडी पाना है, अल्लाह गवाह है। मैं खुद कुरान च पढ़िया कि जेड़ा बंदा मजलस करवांदा है ना उहदे कोल अल्लाह करवांदा है। हुण अपना जैसी लोगों की जहनी अप्रोच होवे दे मुताबिक मासूम गल फरमाई, हुक्म फरमाए गल करो, यानी अल्लाह ने शलवार कमीज पा के आप जाकर बन के कसीदा नहीं पढ़ना, वो साड़ी ड्यूटी लांदा है, क्योंकि फज करूनी अज करुकुम वश करूली वला तक फरून। अल्लाह फरमाए तुम मेरा जिक्र करो यानी तुम मेरे जाकर बन जाओ तो मैं तुम्हारा जाकर बन गाऊँ। बतूल का पुत्र नोके नेजा तो भी अल्लाह का जाकर बने हैं, नोके नेजा थे इमाम हुसैन नोके नेजा थे। एक शेर मैनू गजल का याद आ गया है, अगर मैं समझा सका, है जुल्मो जौर का मकसूम पस्ती है, जेड़ा नेजा है ना इनू सनान भी आ दिन अनोके सना, ये जुल्म दी अलामत है, जुल्मो जौर का मकसूम पस्ती, सना नीचे ही रहती है सरों से। है जुल्मो जौर का मकसूम पस्ती, नेजा थले है ना ते सर उत्ते है, उदा मुकद्दर ही थले रहना, सर उत्ते है, सर सर कर गया नेजे नू। है जुल्मो जौर का मकसूम पस्ती, सना नीचे ही रहती है सरों से। एक और शेर गजल दिए भी शेर है साईं मंजूर हैदर गिलानी बिस्मिल्लाह, वह देनो और क्या होगी शिकस्ते कातल, और क्या होगी शिकस्ते कातल, नोके नेजा पे भी तू जिंदा है, मर गई तेग लहू जिंदा है, नोके नेजा पे भी हुसैन तू जिंदा है, नारा है ये मालिक दी वंडे कि जेड़े अल्लाह
अल्लाह दे जाकर नू झुकाना चाहते हैं वह आप चाई फिर दे हुसैन नोके नेजा भी है तू भी बुलंदी पे है। तो ये कभी भी इस चीज़ नू शौरी बैठे ने हल्का फुल्का ना लेना कि मैं मजलिस कराई चलो अगो न करावा कि ना मजलिस करानी करानी। मैं अर्ज किया बेदे विच मशीयत खुदा शामिल है वो मैं आयत पढ़ देना वो सूरह बकरा दी आयत है अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना अल्लाह फरमा रहा है कोई जड़ा मैनू कर्ज दे के मकरूज करे क़र्ज़न हसना कौन मांग रहे अल्लाह खांदा पींदा कोई नहीं सेना तुम वाला नौम की मंजिल कहाँ मिला है लम यलिद वला मेरे छेवीं माम पीछे अल्लाह कौन सा कर्ज मांग रहा है। फरमाया मेरे दादा हुसैन की मजलिस करवाओ अल्लाह तुम्हारा मकरूज हो जाएगा। जो मकरूज होगा वो ममनून भी होगा जो ममनून होगा वो मशकूर भी होगा। मेरे अल्लाह जिक्र हुसैन के एहतमाम से जब मकरूज ममनून मशकूर हो जाएगा फिर क्या करेगा। फरमाया गफूरन शकूरा बख्शूंगा भी और शुक्रिया भी अदा करूँगा। हसीन तरीन कसीदा जरा मौला ने मैनू अता किया वह मैं पढ़ना है। कोई कतरा भी मैं फरमायश नहीं हुई अदाकरा दे मैं फरमायश हुई बगैर फरमायश तो बंदे अलहमद हीरी पढ़ी नहीं फिर दे। चूंकि कल दिन गुजरे आयशा जी बीबी पाक का भी जमाती उत्सानी मैं एक जुमला बड़ा करीब तो मैं हदीस पढ़ के शाह जी मजलस किससे मकसद का ना है। मजलस वो अमल है जो आले मोहम्मद के कुर्ब का जरिया है और आले मोहम्मद का कुर्ब ही कुर्बतन इल्लाह है। ला भाई फोटो वाले जल्दी बना मेरा पुत्र। अच्छा मैं आज तक सोच रहा भी जेड़ा भी बंदा फोटो बनाता है ना वो एक अख दब के बनाता है तो अखी अगलिया दो आ जाए एक कोई आयन उल्लाह का सदका ही हो सकता है। मैं तो समझना बीबी पाक के मुतलक कुराने मजीद बड़िया आयत ने और पाक नबी दिया बड़िया हदीसा ने। एक हदीस मैं पढ़ के ते दो चार मिनट की गुफ्तगू करके मैं कसीदे की मंजिल तक पहुँचना। हजूर फरमाते हैं अल फातिमा तो कलबी कलबी दो नुक्ते वाला कल्ब दिल नुआ देना अल फातिमा तो बिज़अ तो मिनी अल फातिमा तो बज़अ तो मिनी। वो बंद समझ आई बे बिज़त की है ते बज़अत की है। बिज़त हाथ नू आ देना ऐ बिज़त हाथ है ना एक ही है ये बिज़त है। दिल बज़त है हाथ टूट जाए ना ते बंदा टुंडा होंदा है दिल बंद हो जाए ते मौत हो जाती है। हजूर फरमाए अल फातिमा तो कलबी फातिमा मेरा दिल है मुहम्मद रसूलुल्लाह के तसलसल को बतूल कहते हैं। समझ आई अल फातिमा तो कलबी फातिमा मेरा दिल है। बीबी किसका दिल है मोहम्मद का ना मोहम्मद क्या है मेरे अल्लाह ये मोहम्मद क्या है। अल्लाह फरमाए माँ मोहम्मद इल्ला रसूल मोहम्मद तो कुछ नहीं वो तो रसूल है। ये तो मतलब बीबी मोहम्मद का दिल नहीं रिसालत का दिल है यानी रिसालत के तसलसल को बतूल कहते बीबी हो वे तेरी रिसालत होती है। चलो अपने घर जाओ मेरी गुजारिश दे हदीस से किसा पढ़ो हदीस से किसा भी अल्लाह ने बीबी का की तारफ कराया। फरमाया महदनुर रिसाला महदनुर मोहम्मद नहीं महदनुर रिसाला रिसालत की कान जहां से रिसालतें निकलती है। ऐशा जी एक साढ़े मेंबर ते बच्चे बैठे ने मौला दे जाकर मैं एंटर दे गल कर लगा जाकर का गिला करिए तो अल्लाह नाराज़ होता है। जाकर जाकर होंगे फिर अपनी जहनी अप्रोच के मुताबिक जितना इदराक को इतनी गल करी थी। ये जरा बीबी का लकब है शाह जी तुम भी सुने माशाल्लाह बड़े कदीम उम्मे अबिया बाप की माँ यही नहीं मन सारे जाकर पढ़े वे ये कायनात में वो मस्तूर है जो बाप की माँ है। अगर ये माना ही मन ये फितरत के खिलाफ है दीन ऐने फितरत है जो फितरत के खिलाफ हो वो दीन का हिस्सा नहीं होती है। यदा मतलब इसी समझ नहीं सके उम्मे अबिया बाप की माँ बाप कौन है मोहम्मद मोहम्मद क्या है रसूल रिसालत की उम मोहम्मद की उम नहीं
रिसालत की उम दा माना की है, उम दा माना है असल, असल दा माना है जड़, जड़ हो तो दरख्त होता है, बतूल हो तो रिसालत होती है। जड़ की कर दी है, दो मिनट जड़ दरख्त वेखो, ये जड़े हरे भरे दरख्त नु इन दी जड़ ठीक है, जड़ सुक जाए तो दरख्त मुक जाता है, जेडे दरख्त सुके न समझे जड़ मुक गई है, सुख गई, खत्म है। ए जेडे दरख्त जो हरे भरे इनकी हरियाली का सबब उनकी जड़ है। जड़ का कम की है मास्टर जी, जड़ जी का कम की, जुमला कैसा है, ना किसी टोपी लपड़े तो ना किसी पगड़ी वाले मालिक ने मांड की, जड़ जी है ना, और जड़ मस्तूर होती है, जड़ मस्तूर यानी सतर में कदी भी खानदाने तथीर दिए मस्तूरा नू औरत ना आख्या जी, औरत दमाना होर मस्तूर दमाना, और मस्तूर जो हमेशा सतर में हो, औरत कभी कभी मैदान में भी आ जाती है, चाहे घोड़ी पे हो चाहे डाची पे हो। एहसास है मैनू 20 मिनट टाइम रह गया, 5 मिनट है बच्चे पै जाओ। जड़ मस्तूर होती है यानी की मतलब छुपी हुई है, और ये जड़ वो ताकत है जो छुप के दरख्त को जिंदगी अता करती है। जड़ का कम की है, जड़ ना जमीन फैल जाती है, जड़ जमीन में फैल कर दरख्त की मतलूबा और मकसूदा खुराक को कलेक्ट करती है, दरख्त को देती है ताकि दरख्त जिंदा रहे। बतूल रिसालत की वो जड़ है जो अबू तुराब की मलकियत तुराब में फैल कर विलायत के मोती इकट्ठे करती है, कभी हसन की शक्ल में कभी हुसैन की शक्ल में, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहे और अली ना। नहीं समझी चाहती बीबी पाक, ताई अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। मेरे छठे इमाम को पूछे गए लैलतुल कद्र है कौन, फरमाया फकत सही अदा है, फकत सही अदा है, फकत सही अदा है, वो समझ ठंडा कसीदा भी ठंडा ते मजमा तता है। यानी मेरे छठे इमाम को पूछा गया ये लैलतुल कद्र है कौन, इमाम फरमाया फकत सही अदा है, फकत सही अदा है। मोबाइल में खोल लेना तुहाडे कोल तुहाडा की बनसी, 27 फरवरी भाई हाजिर हो गया है, असि भी सैयद की बारगाह च हाजिर होके ड्यूटी करांगे, टाइम बना लवे मेरे चौथे इमाम को पूछा गया इन्ना तो इना कल कौसर दी तफसीर कौन है, फरमाया फकत सही अदा है, जेड़े सैयद बैठे हो जरा तकड़े होकर सुने जुमला ही तुहाडे मुतलक जेड़ा जुमला फरमाया गया है। मेरे छेवें इमाम को पूछा गया कायनात तक आने वाली नस्ले सादात का महदन मरकज कौन है, फरमाया फकत सही है। साउंड दी क्या बात है, अगला जुमला भी पढ़िए। मेरे चौथे इमाम को पूछा गया चादरे तहीर दे तले चार मासूमीन दा तारफ कौन है, फरमाया फकत सही है। आवाज आ रही है, असी हम बच्चे तो नहीं नभावा, फरदे सानी पढ़िए। हाँ जी सदके जवा फकत सही अदा है, फकत सही अदा अकरम की दे गया है, को खादा पीता कर खुदा दिया बंदे तेरी लोड़ बड़ी है, फकत सही अदा जिंदगी होवे फकत। खुदा रसूल दी कसम है
वुजू करके खलोता सुर नु हराम उसी आख्या जिदे कोल लगी नहीं फकत सही अदा है आप पता है ना ये अजान सुरीली हो सकती है ते कसीदा मालिक दा अजान विच भी उहनां दी जिक्र है मौलवी तेरा नहीं नारा है फकत सही अदा है चट्ठा साहब बैठे हो हाँ सही अदा है एक लफ्ज है कसीदा भी कोई भी जेड़ा वाकया होंदा है उहदा पसे मंजर होंदा है फिर उहदा नतीजा होंदा है एक दिन सुनी बाइया ने अपनी किताबां खिताबात तहरुल कादरी तमीज तारक जमील साहब ने खिताबात बयान किया एक दिन हसनैन शरीफैन इमामैन करीमैन सिद्दीकैन पाक नाना मुअल्लमे कायनात मुतकल्लमे कुरान मुबल्लिग विलायत अली जी दे मत्थे ते पसीना वे उंगली ते चाड़ के जमीन ते सटे ते कोई ईसा बन जाए कोई मूसा बन जाए तुरलाटा मौलवी आदा है हम जैसा वाह वाह सवाल अल्लाह बस पाक नबी शेर सुनना जमीन ते खड़ो के ए तो मेरे वेखो ये वाकयात आवे जल्दी आवे जी जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह एक बारी सारे आखो सुभान अल्लाह पाक नबी ने जमीन ते खड़ो के ए उंगली नाल इंज कीता की होया भला चंद दो टुकड़े होया मौलवी तू इंज कर कोई बेर ही दो टोटे कर दे पाक नबी ने इशारे नाल यार समझो खुदा दा सारे बिरा बैठे ये जो पाक नबी ने इशारा किया है एदा को ना रखिए एदा की ना रखिए जदों सरकार दी उंगली दे इशारे दी मुल्ला तेनू समझ नहीं आती वो साहेब इशारा मुस्तफा तेरे अकल च किवें आवे इस इशारे दा ना रखन लगा इस इशारे में कुदरत है क्योंकि ये वली का इशारा है इसमें विलायत है इसमें इख्तियारात कुली है ये इस इशारे में कुदरत है हुन जुमला खां इस इशारा कुदरत की हकीकी मालका को बतूल कहते हैं गल समझ के दाद देवे इस इशारा कुदरत की हकीकी मालका को बतूल कहते हैं दलील क्या है बिलाल नू अजान तो रोकया गया बीबी पाक दे दरवाजे ते आ गया पाक सैन मैनू अजान तो रोकया गया बीबी फरमाया नफ्से मुतमैना की मालका के दरवाजे पे इत्मीनान के साथ बैठ जाओ मैं तुझे इशारे का इख्तियार अता करती हूँ जब तक तू इशारा नहीं करेगा सूरज तलू नहीं होगी बीबी इशारे की मालका भी है ते रसूल दिया नौकरा में इशारे नू मुंतकिल करन दा इख्तियार भी रहे लफ्ज़े इशारा देने च रहे बीबी पाक दे मुतलक करद करे हाँ समझ आइए जहां में है चलते इशारे इसी के तो मुराद है जनाबे सैयदा हाँ केड़ा वाला ओ करा कर लो पीर रोल पीर नाल करा कर लो फिर उथे पढ़ दिया के वादा हो गया साड़ी आपस च गल तुसी महसूस ना करे
ओ बेनूरा मुल्ला, अल्लाह ने अपने महबूब दा साया नहीं बनाया, जिदा साया नहीं उदा पूरी कायनात उत्ते साया है। हुण जुमला बदल के पाके, जिदा अपना साया नहीं उदे उत्ते अली दे बाबे अबू तालब दा साया है। ये साया तेन सुखांदा नहीं, मरे कुर्बान जावा बल्कि सदके जावा, साया बनाया नहीं। नूर दा वैसे भी साया नहीं होंदा। अच्छा साया होंदा ते फिर की होंदा? सूरज कंड पिछे होवे ते साया अगे, बोलो ना यार। सूरज सूरज कच्ची आई पई कि नहीं? सूरज कंड पिछे होवे ते साया अगे, अल्लाह नू अपने महबूब दा साया भी अगे नहीं वारा खांदा। ये बिलियन नचोड़न वाले पाक नबी दी अगे किवें खड़े कर छड़े? सदके जावा, कमाल है जी कमाल है। जे सूरज अगे होवे ते साया पिछे, अल्लाह इस वास्ते साया नहीं बनाया मास्टर जी। अल्लाह सोचे तो सी मैं साया बनाऊं, साया होगा सल्लल्लाह का, पीछे होते हैं रजी अल्ले। अल्लाह नवारे ही नहीं खांदा जो किसी रजी अल्ले दा कदम सल्लल्लाह दे साए ते पवे। जिनका कदम अल्लाह सल्लल्लाह के साए पे देखना पसंद नहीं करता, वो और हैं। जिस अली के कदम यहाँ आ जाए वो अली और है। लफ्ज़े साया पाक नबी दा साया कोनी, मेरी जाकरी चिश्त बड़ा शेर भी कोई नहीं। पाक नबी दा साया कोनी, बेसाया रसूल हाँ। क्यों जी मास्टर जी, टोपी तो मेरे को भी है पर मैं गड्डी च धरी गया अपनी। अच्छी टोपी थोड़ी। एक कसीदा मैं होर पढ़न लगा। एक कसीदा है सारी दिहाड़ी कोई बंदा उत्थे नहीं बैठा जिथे तू बैठो। हाँ कसीदा मैं चंगा पढ़िया बैठा तू चंगा। ये मेरे प्यार वाले जीन जी मौला इन्हां दी जिंदगी कर, इन्हां नाल ही साडी बिरादरी ने। कुरान शरीफ की कसम अली इब्न वलीला दा मुनकर ते प्यू वारा नहीं खांदा, यही साडी बिरादरी। असीं उहदे नौकर आ जिहड़ा अली दे नौकर नारा है। कसीदे बंदे उड़ामा समझते हैं मैं कसीदा, कई बंदे आदि मेरा मुन कसीदा पे पढ़ दई शुमारी है। मरे कसीदे अबू तालब के पुत्रा दिन तेरे कसीदे मैं पढ़ा, बंदे चाक मैं भी भरा मगा छड़न तेन भी भरा। वही आख मैं मेरा लिखिया कसीदा, तो उड़ामा भी कोई नहीं मैं किसी जाकर का लिखिया कसीदा। हूँ सारा जमाना नहीं पे पढ़ता कुरान नू, लिखिया तो अल्लाह ताला ही है। अबू तालब के पुत्रा का कसीदा शाह जी, तो इस वास्ते शिकवा शिकायत वाली गल कोई नहीं। बड़ा चिर मैं पढ़ता रहा तो कोई नस लिखता, वो फिर मालक को पूछे अभी जाकर भी बनाए तो शहर भी बना छो, फिर मालक ने फिर काफ़ी लिखे है। बड़ा हर मासूम ते मैं लिखे है। ए जरा कसीदा मैं पढ़ा बच्चे बाल हो बच्चे की कर दे लोग निका बच्चे ढेर नो मैं बंदे सेहतमंद नो। अच्छा सलवाद पढ़ दे बच्चे, बह जाओ मेरे पुत्र हंसे तो वे फिर बच्चे मौला जिंदगी करे पा के माम हुसैन के बच्चे का सदका इन्हों की जिंदगी करे मुस्तकबिल दे मातवी दे अदादार। एक कसीदा जरा मैं पढ़न लगे ना दो शेर ने तकी शाह जी, ये जाकरे अल बैत जनाब चौधरी गुलाम रजा झंडवी साहब ने शुरू किया है। इसन मुकम्मल मैं उदे को इजाजत ली उदे असी तला अटक वाला अटक वो अटक ना ही ऐसा बंदा अटक अटक के उ पढ़ता है। वो मैं कि यार गुलाम रजा मैं कसीदा तू लिखे तो उदू मैं थोड़ा जहा उस अगे इजाजत देव सके जी जुमला हकूक बहक महफूज शुमारी वाला वो फिर इसमें मैं
ਜ਼ਾਕਰਾ ਬੜਿਆ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਣੇ ਖੁਮਸ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਯਾ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕਵੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਚੋਖਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਕਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੂ ਨਬੀ ਦੀ ਅਤਿਆ ਬੈਨੂ ਅਲੀ ਦੀ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ, ਏਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ। ਅਰਜ਼ੂ ਨਬੀ ਦੀ ਅਤਿਆ ਬੈਨੂ ਅਲੀ ਦੀ, ਜਗ ਤੇ ਹਯਾ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਮੰਗੋ, ਸੈਣ ਹੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋ ਕਲਬੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰਾ ਕਲਬ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਕਲਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪੇ ਉਤਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਲ, ਤਾਵੀਲ, ਰੇਲ, ਗਿਲਾਫ, ਹਾਸ਼ੀਆ, ਤਫਸੀਲ, ਤਫਸੀਲਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਬਾਸੀ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਦਮੰਦ ਉਦਾਸੀ ਲਈ। ਕਰਦਾ ਸੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ, ਸੈਣ ਹੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕੁਲ ਕੁਰਾਨ। ਮਸਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਏ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਹਯਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਲਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੈਂਦੀ ਕਰਨ ਤਿਲਾਵਤ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬਤੂਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ 3.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਜੁਮਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਕਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਬਣ ਸੀ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸੇ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਠੀ ਆਈ ਤਲੇ ਕੌਣ ਆਈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕੌਣ ਰਹੇ। ਇੱਕ 2 ਜੁਮਲੇ ਉਹ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਜ਼ਾਕਰ
हर आलम पढ़े जो साढ़े त्रै घंटे दे बाद रसूल दी आखे चाचा सलमान मैं थक पई रोंदे हो लेकिन जुमला हुण मैं पढ़ा अल्लाह गवाए साढ़े त्रै घंटे दे बाद अजा हुसैन दी अम्मा नहीं बोली सलमान मरदा ही रोक दे हुसैन दी मां तेरा पता नहीं मैं थक पिया आए दूसरा जुमला हर जाकर पढ़े जो बाद बाबे दे मुसलमाना अली दी जौजा नाल हुसैन दी अम्मा नाल के जा सलूक की ते जो बीबी सज्जे हथ नाल जी अगला जुमला पढ़ो सज्जे हथ नाल तस्बी नहीं पा मगर बैन दी नमाज पढ़ सो तस्बी पढ़े है ते खुद सोचे है तस्बी ते कोई ताकत नहीं लगदी अल्लाह जाने मुसलमान हुसैन दी पाक अम्मा दे हथ नाल के जा सलूक कीता है एक दिन मेरा आका हुसैन जख्मी मां दा जख्मी हथ नप के नाने दी कबर ते रखिया दा नाना कबर तू बहरा अपने उम्मतियां कोल पुछना मेरी मां दा हथ क्यों त्रोड़िया है आवाज यो मेरा नबिया दा नबी नाना मेरी मां सजे हथ नाल तस्बी नहीं पढ़दी सुन लो त्रोल बड़े बड़े सख्त मसाइब पड़े गए तकी शाह जी मैं एक जुमला पढ़ने लगा मेरी खुदा दी कसम है मैं अल फरूक पढ़ी शिबली नमानी ने लिखे बीबी पाक दे मसाइब सही बुखारी में पढ़ी बीबी दे मसाइब असी पढ़ ही नहीं सकते लेकिन मेरी नज़र च हुसैन दी जख्मी माँ दा इस तो वड्डा मसाइब ही कोई नहीं दुआ भी है ते रोवण दा जुमला है दुआ मंगिया करो शाला किसे सरदार दी धी नू नौकरां अगे सवाल ही ना बनना पवे पाक नबी नालों वड्डा सरदार कोई नहीं बतूल नालों वड्डी सैन कोई नहीं बीबी दे किताब में सारे मसाइब सुन पढ़ के मैं लिखा एक परदा तारीख तू चावा पाक बतूल दे दर्द सुनावा दर्द केड़ा है जना फदक मंगण को गई है बहु देर खड़ोती रही पुत्रा को नाल लाके सारे दर्द पचा के बहु देर तई खड़ी रही हैरान फातिमा सदके जा मजलिस तो हो गई अगर इजाजत दे तो एक बंद होर पढ़ा हनुमो दी इबादत दे इजाफे वास्ते आदा पिया इलम दे शै तख्त दी वार से तख्त अगे बहु देर खड़ोती जो कह नहीं आखिया बहवा जुदारा बीबी खड़ी वो खड़ी थक पई है हाथ रखा सनैन दे मोड़िया ते बीबी खा अला लानतुल्लाह इलाकों में वसयालमुल्लज़ीन अंगे